पहले धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ जो हमारे गुरु रविदास जी के 10 तारीख को मंदिर तोड़ने के विरोध में साधु संतों के आह्वान पे 21 तारीख का एक बहुत ही बड़ा रविदासिया समाज की तरफ से आह्वान हुआ था और जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन सभी उस आंदोलन के तहत जो इस मनुवादी सरकार ने षड्यंत्र रच के शांतिप्रिय ढंग से जो आंदोलन सुबह से शाम तक चल रहा था और शाम को अंधेरे का सहारा लेकर इस मनुवादी सरकार ने हमारे उस आंदोलन को एक बहुत ही खतरनाक रूप देकर हमारे समाज के 96 बच्चों को जिनमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक वो शेरों के शेर बंपर शेर जिनके नाम को लेने से खून बड़ी स्पीड से दौड़ता है रंगों में, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद जो एक आंधी की तरह आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के सच्चे मिशन को लेकर चल रहे हैं जेल में डाल दिया गया। मैं उन परिवारों का यहां पहुंचने पर भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन माँ बापों ने ऐसे शेर देने हैं जिन्होंने समाज पे आने वाली विपताओं को कभी बर्दाश्त नहीं किया और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पे आए हैं। मैं दिल की गहराई से उन माँ बापों को उन परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ज्यादा बोलना नहीं जानता लेकिन मैं अपने कुछ शब्दों के माध्यम से आज ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जो साधु संत महात्मा लोग बैठे यहाँ पे मंच पे आसीन है ये हमारे पूजनीय है और सदा पूजनीय रहेंगे क्योंकि ये भी समाज को एक वो दिशा देते हैं जो हमारे श्री गुरु रविदास जी दिया करते थे, जिससे प्रभावित होकर श्री गुरु महाराज जी से प्रभावित होकर उनके वचनों से प्रभावित होकर उनके विचारों से प्रभावित होकर उस समय के सुल्तान सिकंदर लोदी साहब ने नतमस्तक होकर श्री गुरु महाराज जी को अपना गुरु मानते हुए और उनको यहाँ पर तुगलकाबाद में ये जमीन तीर्थ स्थान मंदिर के लिए आज इनको 510 साल बाद वो जमीन याद आई। क्यों आई? क्योंकि ये मनुवादी सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, ये वही मनुवादी और मनु का चरण चलाना चाहते हैं जिसमें हम लोग पहले हमें गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध कर चलने के लिए मोहताज होना पड़ता था, ये उसी वक्त को लाना चाहते हैं। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद को जुल्म करके जेल में नहीं गया, पहले सहारनपुर के अंदर शब्बीरपुर में राष्ट्र का लगाजिम के ऊपर उनको जेल में डाला, तब भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमें जेलों में डाला जाएगा तो हम बारंबार जेलों में जाने के लिए तैयार है। भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और चंद्रशेखर ने तो प्रण कर रखा है कि जब भी कभी मेरे समाज के ऊपर आ चाहेगी मैं उस समाज की किसी भी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं अपनी पीड़ा समझते हुए उस पर दिन रात लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता रहा है। तो सारी बात यही है कि अगर ये सरकार ये सोच रही है कि समाज या भीम आर्मी भारत एकता मिशन को ये खत्म कर देगी, इस सरकार ने या इस सरकार को बनाने वालों ने जो आज सरकार में बैठे हैं उनमें इतना गुर्दा नहीं है ना इतना होगा कि इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आवाज को दबाया जा सके। तो मैं ज्यादा यही आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि चंद्रशेखर और उसके साथ में 95 जो हमारे साथी हमारे भाई हमारे बच्चे हमारे बेटे हमारे चाचा भी लग सकते हैं वो रिश्ते में जो बड़े भी हो गए, तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और तन मन धन से भीम आर्मी एकता मिशन और जो हमारे बीच में काशी टीवी की जो टीम आई हुई है मैं इनका दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद दूंगा कि विदेशों में इन्होंने जो आवाज बुलंद की है, जो यूएसए में इंग्लैंड में इन्होंने आवाज बुलंद की है, ये करने की जरूरत है। पता लगे कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, क्या ये देश के वासी नहीं है? क्या ब्राह्मण ठाकुर या कुछ ही लोग मनुवादी लोग इस देश के वासी मालिक है क्या?
आज मैं एक चीज देख रहा हूं अपने प्रोग्राम के अंदर कि यहां पे एक नारा बचपन से सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वह प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपके बीच में इस मंच में हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई ये चारों धर्म के लोग यहां मौजूद है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं इस बात के लिए। हमारे बैठे अभी बैठे थे पादरी साहब, यहाँ मैंने अभी बैठे हुए देखे थे सर, और अपने इमाम साहब भी बैठे हैं। इमाम साहब का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इमाम साहब पहले भी प्राचा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर जो आंदोलन किया, आज दलित समाज की लड़ाई नहीं है ये समाज, ये लड़ाई जो है हक और हकूक और जायज और नाजायज की लड़ाई है। भाई चंद्रशेखर आजाद ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है, वो आपका फौलाद है, फौलाद जिगर वाला बच्चा है, उसको हमें हर हाल में सहयोग करना है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए एक नारा लगाऊंगा और गुरु महाराज जी के लिए, बोलो शिरोमणि संत रविदास अमर रहे, बोलो शिरोमणि संत रविदास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साहब, आपने समय दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।